अखबार पढ़कर, टीवी देखकर या नेट सर्फिंग से लगता है कि जैसे कि बलात्कार की बाढ़ आ गई है। हर दूसरी खबर ऐसी ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? लड़कियों की रक्षा के लिए पुलिस है, महिला पुलिस है, राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर राज्यों के महिला आयोग हैं, महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठन हैं, एनजीओ हैं, महिला विकास और बाल कल्याण मंत्रालय हैं, महिलाओं की मदद करने के लिए तरह तरह के कानून हैं, मगर उनके प्रति अपराध फिर भी नहीं थम रहे हैं। हर बार जब कोई ऐसी घटना होती है तो कहा जाता है कि कानून लचर रहा है। कुछ लोग तो यह सलाह भी देते हैं कि बलात्कारियों को चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाए, लेकिन एक सच यह भी है कि छोटे शहरों और गांवों में महिलाओं को कानूनों की इतनी जानकारी नहीं होती है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर से हमारे सामने आ रहा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस घटना को अंजाम देने वाले पराए नहीं बल्कि अपने ही निकल रहे हैं। किसी अपने ने ही किया है भरोसे का कत्ल। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुरा के सेक्टर 8 इंडोरामा के ग्राम बगदून में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कलयुगी मां ने देवर के साथ मिलकर 12 वर्षीय नाबालिका बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल पूरा मामला है कि 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के चाचा महमूद बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और जबरदस्ती करने लगा। जब बच्ची ने विरोध किया तो बच्ची की मां ने अपने देवर का साथ दिया। किसी तरह बच्ची बचकर डरी सहमी थाने में पहुंच गई। पुलिस को मामले के बारे में बच्ची ने सारी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए चाचा महमूद, पिता दिलावर और बच्ची की मां के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ कर रही है। आज बलात्कार के मामले में बेहद कठोर कानून भी बने हुए हैं, फिर भी क्या वजह है कि बलात्कार नहीं रुक रहे हैं? बलात्कार स्त्री के प्रति किया गया सबसे घृणास्पद अपराध है। इसके बीच हमारे उस संस्कृति में छिपे हैं जहां एक तरफ स्त्री को देवी कहा जाता है, मगर दूसरी तरफ उसे हमेशा ही एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है और उसे पुरुष के उपभोग और उपयोग की चीज समझा जाता है। क्या हम यह माने कि बलात्कार बढ़ते ही जा रहे हैं, या यह कहें कि आजकल ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग बहुत बड़ी है? लेकिन अगर हम इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाना है तो इसकी शुरुआत खुद से ही करनी होगी और हमें बेटियों के प्रति अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, तभी इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। नई बस्ती इंदोरामा से एक नाबालिग बच्ची की रिपोर्ट कर उसके मोबाइल चाचा और उसकी माँ के लिए अपराध पंजीकृत किया गया है। बच्ची ने रिपोर्ट किया था कि एक सप्ताह पूर्व उसके मोबाइल चाचा ने उसके साथ गलत काम बलात्कार किया और उसकी माँ ने भी इस कार्य में उसको सहयोग दिया है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सर, आपका नाम और पद? मैं आनंद कुमार तिवारी, थाना प्रभारी पीथम। आज सुबह मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि पीथमपुर के बगदून थाना क्षेत्र में एक 12 साल की लड़की पे एक 30-35 साल का व्यक्ति उसके माँ के सहयोग से रेप करता आ रहा था। ये घटना मुझे जानकारी मिली और वैसे ही मैं थाने बगदून थाने गया। बगदून थाने में मैं TI तिवारी साहब से चर्चा करी, SI चौहान साहब से चर्चा करी उन बच्ची के इसमें, तो उन्होंने FIR दर्ज करी है पास्को एक्ट और SC एक्ट में और आरोपी को गिरफ्तार भी करा। और लेकिन हमारी ये मांग है प्रशासन से, ऐसे जो लोग ऐसे नर्धम हैं, ऐसे समाजद्रोही जो नर्धम हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि समाज में आज एक अच्छा संदेश बना रहे और समाज में एक समानता बनी रहे। ये हमारा आज मेन था, इसलिए हमने आज FIR कराई सामाजिक में। डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीथमपुर। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे।
तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कंबोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050110009. JBD Banquets lie hai, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।